बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी भाई, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं ना सब्सक्राइब किया हो तो वो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से और बेल आइकन को दबा दो भाई। तो अभी क्या है कि किचन में चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि बेगम साहब जो है वो कुकिंग कर रही हैं आज। कुकिंग मतलब ये है कि कुछ बना रही हैं खास, ठीक है ना, मौसम को देखते हुए, क्योंकि मौसम आज बहुत प्यारा है जी, बहुत सुहाना ज़बरदस्त हो गया। धूप है सी लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब बॉडी को ना काफ़ी सुकून दे रही है। तो खैर अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं बेगम साहब क्या बना रही हैं। अच्छा भाई, ये चीज़ देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, कढ़ाई जो है वो चढ़ चुकी है चूल्हे पे और हम अंदर नहीं बना रहे, बाहर बैठ के बना रहे, क्योंकि बाहर बैठ के कुकिंग करने का मज़ा ही अलग है। तो खैर, ये रहे जी पकोड़े जो कि बेगम साहिबा बना रही हैं, ये रहा उसका मिसाला। एंड इसके अलावा भी और कुछ भी बनना है, ये देखते हैं ये क्या चीज़ है भाई। ओए हो, ये चिकन चुकन है शायद, मेरे ख्याल में चिकन है, तो इसका शायद टिक्का बटी बननी है ना, पकौड़े प्लस टिक्का बहुत ही, तो भाई कॉम्बिनेशन जो है वो बेस्ट है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक भी मैं लेके आया था अभी कुछ देर पहले, मैं बाजार गया था मतलब अपने चौक पे, तो वहाँ से सारा सामान लेके आया हूँ। यहाँ पे जो हमारे पकौड़े हैं वो बन रहे हैं मौसम की मुनासिबत को देखते हुए, तो भाई आज काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि मतलब पकौड़े जो हम घर में तब बनाते हैं जब मौसम अच्छा हो या जब खाने का दिल कर रहा हो, ठीक है। बहुत कम बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते, बहुत कम बनते हैं। हमारे जो पकौड़े हैं वो बन गए हुए, बेगम साहब उसको निकाल रही हैं जी इस टोकरी में, निकाले भाई निकाले निकाले निकाले। ओए हो, ये अभी टेस्ट मारते हैं इसको, जरा निकल जाए सारे। अच्छा भाई, ये बन चुके हैं ना, तो इसको चेक करके हमने यहाँ पे अंदाजा लगाया कि यहाँ पे नमक कम है, तो हमने और डाल दिया। हमारे जो पकौड़े थे वो फाइनली तैयार हो चुके हैं, देख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये देखें, ये खाली हो गया और इसके ये इतने पकौड़े निकले, माशाल्लाह भाई ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त। पकौड़े हमारे जो है वो फाइनल हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। और अभी हमारी बारी है टिक्का बॉडी की, ठीक है। हमें चिकन लेके आया था, थोड़ा सा हम बना रहे हैं, और वैसे हम इसके अलावा फ़िश लेके आए हूँ जो रात के खाने में होगी। रात के खाने के लिए मैं फ़िश लेके आया हूँ, और अभी वैसे ही जो है ना वो उसके लिए मैं टिक्का बॉडी और पकौड़े का सामान लेके आया था। हाँ जी भाई, आज जो है वो कुकिंग की कुकिंग हो रही है, ठीक है। मतलब खाने पे खाने बन रहे हैं, और अभी जैसे कि आप लोगों को मालूम है हमने पकौड़े भी बना लिए, हमने टिक्का बोटी भी बना ली, हमने दोनों खा लिए। इनफैक्ट ताज़ा जैसे होता ना कि ताज़ा बना के ताज़ा खा रहे हैं। मज़े की बात यह है कि आज हानिया जो है वो हमारे घर आई हुई है, अक्सर ही हमारे घर होती है। हानिया कैसी हो, ठीक हो, क्या खा लियो, गन्ना गन्ना खा लियो। आप भी वो भी हैं, आपके बाबा कहाँ पे गए? घर तो नहीं है, आपके अब्बू कहाँ पे? अम्मी हल नहीं है भाई। सीन पता क्या है, इनके जो मामा बाबा हैं वो गए हुए हैं भाई लॉन्ग टूर पे। लॉन्ग टूर मतलब उन लोगों ने झंग जाना था, तो वहीं पे गए हुए, तो दो रातों के लिए वहाँ पे गए और हानियों को यहाँ पे हमारे पास छोड़ के गए। हानिया रहेगी हमारे पास, दो तीन दिन के बाद आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो खैर, रेसिपी में आज बनने वाली है फ़िश। मतलब जो पहले तो ट्विस्ट हो गया, मतलब ऐसे ही खा लिया हमने पकौड़ी और जो टिक्का बॉडी थी, लेकिन अभी जो रात का खाना बनने वाला है उसमें हम फ़िश बना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह किचन में सारा कुछ ओके हो चुका है, तो चल के फिर देखते हैं फिश बनाते हैं इंशाल्लाह। चलो भाई, यहाँ पे कढ़ाई चढ़ चुकी है चूल्हे पे, और यहाँ पे हमारा जो है वो मिसाला मिसाला बन रहा है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कोई मिसाला जात पड़े हुए हैं, ये हमारा लहसुन और धनिया पेस्ट बना हुआ है, उसके अलावा ये टमाटर सब्ज मिर्ची, और ये रही थी दही विद जीरा। अभी यहाँ पे हमने प्याज काट के कढ़ाई में छोड़ दी है ब्राउन होने के लिए, जैसे ही थोड़े बहुत ब्राउन होते हैं हम इसमें मिसाला डाल देंगे। अच्छा भाई, अभी फिश धो रहे थे ना, तो उसमें क्या है कि उन लोगों ने आंख और ये वाले साइड बूथे वाले साइड भी साथ दे दिए उन लोगों ने, ये मतलब खाए जाते कि नहीं है, आंख भी है यार। हमारे फिश जो है वो धुल के आ गई है, फिश देखें जी, मैंने मतलब कोई और नस्ल ली है, इसमें कांटे बिल्कुल नहीं होते। एक फार्मी होती है वो मैंने नहीं ली थी, ये ली, इसमें कांटे नहीं होते बिल्कुल भी। इसकी नस्ल मेरे ख्याल में कोई डमरा शायद है, डमरा डमरा होता है ना, डमरा वाली। अभी इसमें हम जो है वो टमाटर डाल दिए, ठीक है। और हमारे पास ये मछली मिसाला भी पड़ा हुआ है, मछली फ्राई मिसाला, यार ये तो फ्राई वाला है, हम तो दूसरी कर रहे हैं।
तो ये हमारे किसी को नहीं। अभी जी यहाँ पे मैं बैठा हूँ क्योंकि ये सब कुछ चूल्हे पे बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आग पे मतलब लकड़ियों पे आग जलाना बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा हूँ और लकड़ी लगा रहा हूँ और हमारी ये तैयार है। तैयार तो खैर नहीं है, अभी पकने वाली है। अभी इसमें बारी है दही डालने की, तो ये ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दही इसमें डाल दी है। ठीक है, बेगम साहब जो वो ये बना रही है, मैं थोड़ा आग की देखभाल कर रहा हूँ, आग कहीं पूछ ना जाए, देख रहे बहुत कम जल रही है। अच्छा भाई माशाल्लाह यहाँ पे हमारी मछली जो वो तो तैयार हो रही है, लेकिन साथ साथ दादी जान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है, सुनाओ अपनी नोह नाल मच्छी पकवाना है। डोहतरी भी है, नोह भी थी वैसे ना, डोहतरी भी है, पहले डोहतरी वाल नो जया जया भैया ठीक है। तुसा मगवाए रसो, तुसा अपनी जवानी मच्छा बने जाओगे? अच्छा हाँ 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 माशाल्लाह भाई दादी जान पूछ रहे मच्छी चेक करो, सही है सही है मच्छी। किसकी शादी पे देसी मुर्गी थी? किसकी शादी पे देसी मुर्गा थी? तेरे अबू की शादी देसी कुकड़ी पकाया देखे थे। अच्छा भाई जान सुन रहे हो, दादी जान कह रहे हैं कि जब मेरे अबू की शादी हुई थी ना, तो हमने मतलब देसी घी की देसी मुर्गी की बहुत सारी देगी बनाई थी। मतलब जैसे अब रिवाज ना बड़ा गोश्त बना लेते हैं या मुर्गियां बना लेते हैं, तो पिछले जमाने में देसी मुर्गियां इकट्ठी विकट्ठी करके उनको जिबा करके फिर देसी मुर्गियां वो है मतलब रिश्तेदारों को खिलाई जाती थी, तो ये अच्छी बात है। पर अभी टाइम है इसमें लीमू डालने का, लीमू इसमें डाल दिया हुआ है। जी जी आजकल आ गए फार्मी मुर्गा, बीमारियां बीमारियां शहर में बंदे बीमार हो जाते हैं। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी सर्दियां आ गए क्या है ना, सर्दियां जी सर्दियां आ गए क्या है ना, सर्दियां जना या मच्छी खवी दी, सर्दियां मच्छी खवी। हमारा जो मिसाला है वो फाइनली बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी इसमें बारी है मछली डालने की, हमारी जो मछली है वो हमने धो ली हुई थी। ठीक है चलो भाई बेगम से मछली डाल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलो भैया वजू मैंने कर लिया। ठीक है नमाज असर का टाइम है, नमाज असर अदा कर लेती हैं। चेक करें माशाल्लाह वेदर जो है आज बहुत प्यारा है। अच्छा भाई अभी मैं पहुंच चुका हूं किचन में नमाज पढ़ के। मैं जैसे यहां पे आया तो हमारी जो फिश है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह भाई क्या है, पहले तू बोल भाई माशाल्लाह यार क्या ही लुक है और क्या ही इसकी खुशबू आ रही है माशाल्लाह भाई। बेगम के हाथ की बनी ये डिश बहुत लजीज लग रही है मुझे शक्ल से भी, तो इंशाल्लाह जब खाना खाएंगे। अम्मी जान यहाँ पे रोटियां बनाने के लिए आ गई हुई, ये आटा था ये अभी आग फिर से जलाएंगे और यहीं पे हम रोटियां बनाएंगे। हमारी जो डिश है हमारी जो फिश है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी इसको हम ढांप देते हैं जी इससे, बल्कि ये ढक्कन छोटा है। अच्छा भाई अभी रात के टाइम है, खाना वाना अभी तक मैंने नहीं खाया, थोड़ी देर में खाना खाता हूँ, वीडियो एडिट कर रहा था। ठीक है और दूसरी बात यह है कि अभी तक हमारी जो डेकोरेशन है वो खड़ी हुई है बर्थडे को, आपकी भाभी के बर्थडे को तकरीबन 4 से 5 दिन, इनफैक्ट नहीं पूरा 1 हफ्ता हो गया। आज संडे है, लास्ट संडे जो है वो सेलिब्रेशन थी बर्थडे थी, लेकिन यह है कि पूरा 1 वीक हो गया अभी तक जो सेलिब्रेशन है वो खड़ी हुई है। पता क्यों खड़ी हुई है? मैं वेट कर रहा हूँ 40K सब्सक्राइबर का। यार मेरे 40K सब्सक्राइबर करवा दो, 40,000 सब्सक्राइबर करवा दो, इसी बलून्स को यूज करके हम उसकी जो है वो सेलिब्रेशन करेंगे इंशाल्लाह। भाई क्या कर रहे हो यार, 4-5 रहते हैं सब्सक्राइबर, जल्दी से भी इसी वीडियो में सब्सक्राइबर करवा दो, 40,000 सब्सक्राइबर करवा दो, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर से एक सेलिब्रेशन होगी इंशाल्लाह। तो खैर आज की वीडियो में इतने था, उम्मीद आप लोग आज के ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोग से कल एक ताज़ा और फ्रेश वीडियो में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।